रेवाड़ी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, झपटमारी की 40 से अधिक वारदात करने वाला आरोपी दबोचा। छीने गए मोबाइल बेचने में सहयोग करने वाले आरोपी के साथी को भी दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से छीने गए 22 मोबाइल फोन तथा वारदात में प्रयोग की जाने वाली मोटरसाइकिल भी की बरामद। रेवाड़ी के शहर थाना पुलिस ने मोबाइल छीनने की करीब 40 वारदात कर चुके आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान शहर के मोहल्ला बंजारवाड़ा निवासी दीपक उर्फ दीपू के रूप में हुई है। पुलिस ने छीने गए मोबाइल खरीदने व बेचने वाले आरोपी राजस्थान के जिला भरतपुर के गांव चांदपुर निवासी निसार को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से छीने गए 22 मोबाइल फोन व वारदात में प्रयोग की जाने वाली मोटरसाइकिल भी बरामद की। क्या मामला था सर? ये 10 तारीख की इंसिडेंट है। 10/5/20 को जो रमेश शिकायत करता है, वो शाम के समय यहाँ जो दिल्ली रोड पर जा रहा था, अपने कोई अर्जेंट कॉल आ गई थी, फ़ोन कान पे लगा के बात करता जा रहा था। बाइक पे कोई व्यक्ति आया, अपराधी आया, उसने इसका फ़ोन स्नैच किया। स्नैच करने के बाद में हमने शिकायत मिलने पर 12/5 को 387A का स्नैचिंग का मुकदमा लॉज किया। मुकदमा लॉज करने के बाद में हमने साइबर सेल के माध्यम से उसका फ़ोन को IMEI उसकी लगाई। लगाने के बाद में कंटिन्यू नाम आया कि इसमें जो आरोपी है वो दीपक दीपू सनम चंद्र प्रकाश बंजारवाड़ा मोहल्ले का है, जिस पर पहले भी लूट चोरी के काफ़ी मुकदमे लोज है, उसका नाम ओपन हुआ। उसके बाद में इन कंटिन्यूस करीब एक महीने बाद में 2 स्नैचिंग के केस और भी हमारे पास लॉज हुए, शिकायत आई, जिसमें भी दीपक दीपू की ID इस्तेमाल हुई। उसके बाद हमने कंटिन्यू एक टीम बनाई, जिसमें SI योगेश चौकिनचा जगनगेट और HC धर्मवीर जो केस का आयु है, इनको कंटिन्यू हमने इसमें पीछे लगाया। मैंने इनको लगातार असिस्ट किया। उसके बाद में साइबर सेल के माध्यम से हमने इसकी लोकेशन लेके और इसको 27 तारीख को हमने दीपक दीपू को नज़दीक अभय सिंह चौक से राउंड अप किया और हम गिरफ्तार किया मुकदमा में। उसके बाद इससे पूछताछ की, पूछताछ में पाया कि इसने करीब इस तरह की 40 मोबाइल स्नैचिंग के इंसिडेंट किए हैं, जिसमें सर रेवाड़ी माल टाउन बावल इंडस्ट्रियल एरिया बाकी अन्य क्षेत्र में भिवाड़ी। तो उसके बाद में हमने इसको कोर्ट में पेश करके इसको 4 दिन का रिमांड पर लिया। वो गहन पूछताछ की, पूछताछ के दौरान नाम खुलासा हुआ कि मोबाइल चोरी करने के बाद में स्नैच करने के बाद में कोई दुकानदार है लोकल, उससे जिसका नाम अभी हम इसमें खुलासा करेंगे केस में लाएंगे, तो उससे इसका पासवर्ड तुड़वाने के बाद में ये फ़ोन 1500 से 2000 रुपये में ये सोल्ड आउट करता था। तो इसी क्रम में इसने एक निसार जो बेसिकली चंद्रपुरा गांव गोपालगढ़ भरतपुर राजस्थान का है, उसको अपने साथ लिया हुआ था, उसको ये 2 से 2500 रुपये ये फ़ोन देता था। गोपाल उस फोनों को जो निसार है उन मोबाइल फ़ोनों को अपने वहाँ लोकल गाँव में जाकर वहाँ गलत आदमी को भेजता था। संभावना ये भी कि ये फ़ोन है साइबर फ्रॉड केसेज में यूज़ होते हैं। तो हमने निसार को भी सेक्शन 611 IPC इसमें इम्प्लीमेंट करके इसको अरेस्ट किया और जो बेसिक मुकदमे की जो केस प्रॉपर्टी है वो रिकवर किया। तो 7 अन्य जो फ़ोन है वो 102 CRPC में कब्जा मिली। ड्यूरिंग रिमांड हमने जो एक्यूज दीपक है इससे हमने इसका जो व्हीकल यूज़ करता था बाइक।